बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। मैं इमरान अब्बास हूँ और एक दफ़ा फिर मैं तुर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल से आपसे मुखातिब हूँ। ये ट्रांसमिशन हम आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर देख रहे हैं। बरान रहमत, आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के दिन हैं। ये दिन हमें सब्र और बर्दाश्त सिखाते हैं। सब्र, बर्दाश्त अपने रवैये में, अपने आमाल में, अपने उन सारे कामों में जो हमें किसी भी तरह बिलवास्ता या बिलवास्ता अल्लाह से दूर करते हों, उन सब से अपने आप को रोकने की तरबियत। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ख़त्म होती जा रही है वो बर्दाश्त है। हम समझते हैं कि शायद हम हर तरह से मुकम्मल हैं, हर तरह से परफेक्ट हैं, लेकिन दूसरा जो है वो किसी तरह, जिससे भी हमारी राय मुख्तलिफ होगी, जिससे भी हमारी सोच मुख्तलिफ होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये किसी भी लेवल पे हो सकता है। ये अपने ख़ानदान में भी होता है, ये अपने शहर में भी हो सकता है, अपने घर में भी हो सकता है। हम उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करते जो हमारे मज़हब के नहीं होते, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करते जो हमारे मसलक के नहीं होते, हम उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करते जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हमारी आइडियोलॉजी से जिनसे मुखालफत होती है हम उनको बर्दाश्त नहीं करते। दूसरों को सुने, दूसरों की बात को सुने। हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात करे जो शायद आपकी सोच से मुख्तलिफ हो लेकिन वो सही हो। इसलिए ये टॉलरेंस, ये बर्दाश्त, ये सब्र इस रमज़ान का सबसे बड़ा पैगाम है। अपने आप को मज़ीद टॉलरेंट कीजिए, अपने आप को पेशेंट कीजिए, रोकिए उन सारे कामों से, उन सारी चीज़ों से जो आपको आपके मज़हब से दूर करे, आपके अल्लाह से दूर करे, आपके बंदों से आपको दूर करे। एंड दिस इज़ आई थिंक इज़ द बिगेस्ट टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड रमज़ान। देखते रहिए बरान रहमत। मैं आपसे मिलूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जब वापस आएंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। एक बहुत खूबसूरत गेस्ट हैं जिनका ताल्लुक तुर्की से है, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करूँगा और आपको पता चलेगा कि वो कितनी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। देखते रहिए बरान रहमत, हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सख्त इस्तांबुल में हूं और बरान रहमत की ट्रांसमिशन में ये वाला सेगमेंट जो होता है ये बड़ा ख़ास होता है। इसका आपको बहुत इंतज़ार होता है, इसलिए कि इसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी एक फेमस टर्किश एक्टर से, और अच्छी बात ये होती है कि वो आपको उर्दू बोलते सुनाई दे रहे होते हैं, तो आपके लिए भी आसानी है, हमारे लिए भी आसानी है। तो जनाब, आज जिस एक्ट्रेस से, मशहूर अदाकारा से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, उनका तारुफ़ अभी आपको हो जाएगा थोड़ी दिनों बाद ज़्यादा अच्छी तरह, इसलिए कि अर्तुरुल गाज़ी में उनके आने वाली एपिसोड में जो कैरेक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अभी तक पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुई वो वाली एपिसोड्स, बट शी इज़ अबाउट टू कम और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही हैं। ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए और उसके बाद अब वापस आते हैं और विल ब्रेक द सस्पेंस। आज बारान रहमत के खास मेहमान हैं सिनेम ओस्तुर। इन्होंने तुर्की के मशहूर ड्रामे अर्तुरुल गाज़ी में महपूरी हातुन का किरदार निभाया। ये किरदार तो नेगेटिव है, लेकिन सिनेम असल जिंदगी में बहुत पॉजिटिव शख्सियत की मालिक हैं। इन्होंने अर्तुरुल के अलावा भी कई तुर्की के मशहूर ड्रामों और फिल्म्स में काम किया। इन्होंने एक्टिंग के अलावा बतौर एंकर पर्सन भी काम किया। सिनेम की जिंदगी में अब काम के साथ साथ बहुत खूबसूरत फैमिली भी है, जिसमें इनके दो जुड़वा बच्चे हैं। तो आज जानेंगे सिनेम की जिंदगी के बारे में। आपने देखा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, नाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्रोनाउंस करना, इनका नाम है सिनेम ओस्तुर्क, और ये अर्तुरुल के नेक्स्ट सीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव रोल प्ले कर रही है जिसका नाम है माहपरी खातून, यानी जिस खातून का चेहरा चांद से मुशाबहत रखता हो, और मेरा ख्याल है नाम बिल्कुल ठीक है इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, और आपको भी खुशामदीद। थैंक यू सो मच। मैं तो यहाँ इतनी दफ़ा आ चुका हूँ कि मुझे
सब लोग खुश आमदीद कहते कहते भी थक गए हैं जनाब। महपरी जो हैं ये टर्की में माशाल्लाह बहुत बहुत फेमस हैं। शी हैज़ अ ह्यूज फैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम पे। इनका अकाउंट पहले हैक हो गया था, फिर दोबारा इन्होंने बनाया, तब भी इनके माशाल्लाह इतने अच्छे फैंस हैं, इतने ज़्यादा फैंस हैं। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ होना? पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई ट्रांसमिशन है जो कि तुर्की के एक्टर्स के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही है, उसमें गेस्ट होना आपको कैसा लग रहा है? मेरे लिए फ़ख्र की बात है ये बहुत। आपके चैनल के थ्रू मैं पाकिस्तान के लोगों से मुखातिब हूँ और उनसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, इसकी खुशी है मुझे। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के लोगों को मोहब्बत का पैगाम देना चाहूँगी। इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी आप लोगों से बहुत जल्द, बस थोड़े से हालात ठीक हो जाएं। अल्लाह ने चाहा तो जरूर आपके साथ पाकिस्तान भी जाएंगे, मुलाकात भी करेंगे सबसे। उम्मीद करती हूँ जल्दी सब ठीक होगा। बिल्कुल सिनेम, आपका ये प्यार, आपका ये पैगाम आज टीवी के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को पहुँच रहा है। जैसे ही मैं आपको पहली दफ़ा मिला तो मुझे बिल्कुल लगा जैसे मैं किसी हॉलीवुड की एक्ट्रेस से मिल रहा हूँ। आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी, किसी ने आपको बताया कि आपकी थोड़ी शक्ल जूलिया रॉबर्ट से भी मिलती है? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि आपकी वालदा ने आपको कहा होगा ये, कभी आपने मुझे बताया था। जी हाँ, मेरी अम्मी कहती है कि मेरी स्माइल जूलिया रॉबर्ट से मिलती है, और ये बात कहते हुए मुझे शर्म भी बहुत आती है। इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। और एक और बात बताऊँ, जूलिया रॉबर्ट के जो बालों का कलर है, इस वक्त मेरा भी सेम हेयर डाई है, इसलिए शायद और मुशाबत है। बहरहाल मेरे लिए बहुत फखर की बात है कि आपने मुझे जूलिया रॉबर्ट से रिलेट किया। अच्छा, ये जो कैरेक्टर आप प्ले करने वाली हैं, प्ले तो आप कर चुकी हैं, जो हमारे पास अब पहुंचने वाला है ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है महपरी खातून का। कैसा लगा नेगेटिव रोल करना और इतने बड़े सीरियल का हिस्सा बनना? हाउ वाज एक्सपीरियंस? असल में ये रोल बहुत खास था मेरे लिए। आप इस कैरेक्टर को हुरम सुल्तान के कैरेक्टर से मुशाबत दे सकते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेगी, बिल्कुल उसी तरह से इस कैरेक्टर को देखा जा सकता है। लोगों की नजर में शायद नेगेटिव होगा या खयानतदार कैरेक्टर भी कह सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप उस कैरेक्टर को एक माँ के तौर पर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो एक माँ तड़प जाती है। बिल्कुल उसी तरह से मैंने इस कैरेक्टर को समझा। नेगेटिव कैरेक्टर की जहाँ तक बात है तो वो करना मुझे वैसे भी पसंद है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। नेगेटिव कैरेक्टर में प्ले करने के लिए आपके पास बहुत मार्जिन होता है, एज कम्पेयर टू पॉजिटिव कैरेक्टर आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि आप कितने अच्छे अदाकार हैं। शायद यही वजह है कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर में परफॉर्म करने का मार्जिन भी ज्यादा होता है। एक अच्छे कैरेक्टर को या एक ऐसा कैरेक्टर जो पॉजिटिव हो, उसमें इतनी लेयर्स और इतनी शेड्स नहीं होते जितने एक नेगेटिव कैरेक्टर में होते हैं। और जब आपको लोग नफ़रत करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि ये नफ़रत है या मोहब्बत है, इसलिए कि इसका मतलब होता है कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आपकी अदाकारी को लोग हकीकत समझ रहे हैं और आपसे नफ़रत कर रहे हैं। तो इसकी एक्सेप्टेंस भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है जब आप नेगेटिव रोल की आप आवाम से फीडबैक मांग रहे होते हैं, तो वो नफरत बुनियादी तौर पर मोहब्बत ही होती है। लेकिन आपने सही कहा कि माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है। एक डरपोक नाजुक सी ऐसी औरत जिसको हम समझते हैं कि शायद वो ज़िंदगी में या ज़माने में कुछ ना कर पाए, लेकिन जब बच्चों पर बात आती है तो वो लड़ जाती है, हर मुश्किल से लड़ जाती है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर कैरेक्टर। You started acting when you were only 17. आप 17 साल की थी जब आपने अदाकारी शुरू की, और it's been many years now when you have been like acting और आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े projects कर रही हैं। और definitely जब आपका इतना अच्छा strong fan base हो तो उसका मतलब है कि आप बहुत अरसे से acting कर रही हैं और बहुत hit serials और shows दे चुकी हैं। कैसा लगता है जवानी में और इतनी कम उम्री में इतनी शोहरत हासिल करना? आपको 17 साल से जब आप एक्टिंग कर रही होंगी तो डेफिनेटली आपने वो स्टारडम आपने देख लिया, तो वो स्टारडम जो लोग सारी ज़िंदगी तरसते रहते हैं और बाज़ बहुत बड़ी उम्र में आके उसको हासिल करते हैं, आपने बहुत छोटी उम्र में हासिल कर लिया, तो वो फीलिंग कैसी है और कैसा लगता है? वैसे मेरी एजुकेशन भी सिनेमा और टीवी से रिलेटेड थी, मैंने अपना ग्रेजुएशन इसी में कम्प्लीट किया। मैं स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहती थी, लेकिन जब मैंने इस फील्ड में अपने कदम रखे तो मुझे छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए, और एक फिल्म में तो मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया, और देखते ही देखते मैंने कैमरे के फ्रंट पर ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। फील्ड तो दोनों सेम ही है, चाहे आप कैमरे के आगे हो या पीछे। उसके बाद मुझे एक्टिंग में ज्यादा मजा आने लगा तो मैंने अपना सारा फोकस इसी पर कर लिया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग नहीं करती, इसलिए कम उम्र में शोहरत मिलना मेरे लिए डिसएडवांटेज था। उस वक्त मैं छोटी थी और ये समझने के काबिल नहीं थी कि शोहरत को
कैसे संभाला जाए, खास तौर पर जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं तो मिलना जुलना आसान नहीं होता। इसलिए मैं समझती हूँ कि कम उम्र में शोहरत मिलने का नुकसान भी हुआ। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ नुकसान हुआ, फायदे भी पहुँचे मुझे काफी। मैंने ये सीखा कि आपको काम के एतबार से सिलेक्टिव होना चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। शुरू में मुझे मुश्किल हुई कि कौन से प्रोजेक्ट करूं और कौन से ना करूं। फिर वक्त के साथ सीख गई कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया, ऐसी चीजें सेलेक्ट की जो मुझे आगे की तरफ लेकर जाए ना कि पीछे की तरफ। जल्दी शोहरत मिलने का ये फायदा हुआ कि सीखने के लिए बहुत वक्त मिला। और मैं ये कह सकती हूँ कि एक पूरी नस्ल है जो हमारे सीजन देखते देखते बड़ी हुई है, तो कम उम्र में शोहरत के नुकसान और फायदे मैंने दोनों को एंजॉय किया। कामयाबी को हासिल करना तो एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको बरकरार रखना, एक सर्टेन पॉइंट आपका जो करियर का होता है उस स्टेज को मेंटेन करना, ये ज़्यादा मुश्किल बात होती है। क्योंकि जब आप अचीव कर लेते हैं तो फिर आपको हर आने वाला प्रोजेक्ट ऐसा चूज़ करना होता है जिसमें जो पहले से या तो बेहतर हो या एटलीस्ट उस लेवल का तो हो। अर्तुरुल गाज़ी का जो ये कैरेक्टर है, ये बहुत डेफिनेटली आपके लिए भी एक माइलस्टोन है आपके करियर में। अब आगे आप किस तरह चूज़ करेंगी अपने फर्दर प्रोजेक्ट्स, क्योंकि फिर उसके बाद इससे छोटे या इससे कम किसी भी कैरेक्टर पे तो आप सेटल नहीं होंगी। तो अब क्या सोचा है, आगे क्या करना है? आगे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और भी बन रहे हैं, और मुझे मालूम नहीं कि टर्किश टीवी इंडस्ट्री इस वक्त, हम तो सब जानते हैं कि बहुत बड़ा, लेकिन इस तरह के और प्रोजेक्ट्स बना रही है जिसमें आपको लगे कि आप ऐसे ही रोल करती रहेंगी, या आगे क्या होने वाला? दिलेस की शूटिंग के बाद मेरे यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, उसके बाद मैंने 2 साल तक उन्हीं को टाइम दिया। माशाल्लाह, जी मुबारक, जी बहुत शुक्रिया। तो वो 2 साल मैंने घर पे गुजारे, और उस दौरान मैंने एक स्क्रीन प्ले भी लिखा। एक तरफ मैं बच्चों की परवरिश कर रही थी और साथ साथ अपना काम भी कर रही थी, एक तरफ मैंने अपनी मदरहुड को एंजॉय किया, और दूसरी तरफ एक बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले भी लिखा जो कि बहुत ही मुख्तलिफ नौयत का प्ले है। मैं ये कहूँगी लोगों को पसंद भी आएगा जरूर। और जब कोई कैरेक्टर भी प्ले करती हूँ मैं, तो मेरी कोशिश होती है कि कोई भी कैरेक्टर पहले जैसा ना हो जो मैं कर चुकी हूँ, कुछ अलग होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया था जो पहला कैरेक्टर होगा जो मेन लीड होने के बावजूद हिजाब पहना हुआ है, और वो कैरेक्टर लोगों को पसंद भी आया। और ऐसे कैरेक्टर मुझे खुद भी करना बहुत पसंद है जो अलग हो, जिसे आप इंजॉय करें। और कोई भी कैरेक्टर निभाते हुए उसे अपने ऊपर हावी करना पड़ता है। जब आप उस कैरेक्टर में चले जाते हैं तो ज्यादा अच्छे अंदाज से उसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर का कैरेक्टर करते हैं, उसके बाद किसी हाउसवाइफ का कैरेक्टर करते हैं। कोशिश करती हूँ कि मुझ पर किसी एक कैरेक्टर का लेबल ना लगे, मैं अलग अलग कैरेक्टर्स करना पसंद करती हूँ। जैसे इस हिजाब वाले कैरेक्टर के बाद मैंने एक बोल्ड कैरेक्टर भी किया, शायद यही वजह है कि मुझे दिरिलिज में भी काम करने का मौका मिला। और अब तो मेरे बच्चे भी 2 साल के हो गए हैं, तो इंशाल्लाह कोविड खत्म होते ही मैं दोबारा स्क्रीन पर आना चाहूंगी। कैरेक्टर चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, मुझे निभाने से मतलब है, चाहे कॉमेडी हो या सीरियस, मैं प्ले करूंगी।